नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं अनुभव मिश्रा और आज मुकाबला है SRH और दिल्ली कैपिटल्स। दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में देखें तो काफ़ी नीचे चल रही हैं और आज इन दोनों का मुकाबला है। अगर आप फैंटेसी इलेवन बना रहे हैं तो मैं आज आपके साथ जुड़ चुका हूं आपको वो 11 खिलाड़ी बताने के लिए जो आपके फैंटेसी इलेवन में आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देकर जा सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें दिल्ली कैपिटल्स से, जहां पे आप बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर्स देखते हैं। बल्लेबाजों की बात करें तो पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, सरफराज खान, यश धूल, रोमन पॉवेल, फिल सॉल्ट, मनीष पांडे और रिले रॉसो। देखिए, इसमें सबसे बड़ा नाम जो आप अपनी बल्लेबाजी यूनिट में सबसे पहला नाम जो रख सकते हैं अपनी फैंटेसी इलेवन में, वो है डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर लगातार बेहतरीन टच में दिखाई दे रहे हैं, मैचेस में स्कोर कर रहे हैं। अगर आप इनकी परफॉर्मेंसेस को देखें तो लगातार लीडिंग रन स्कोरर भी हैं। अगर आप देखें टॉप 5 बल्लेबाजों में तो दूसरे तीसरे नंबर पर लगातार बने हुए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप दूसरे बल्लेबाजों को देखें तो कोई बड़ा नाम जो यहां से स्कोर कर रहा हो ऐसा कोई नहीं दिखाई देता। पृथ्वी शॉ टीम से ड्रॉप कर दिए गए हैं, सरफराज खान इनको भी ड्रॉप कर दिया गया है। यश धूल पे थोड़ी दिल्ली कैपिटल्स रिलाई कर रही है, थोड़ा भरोसा दिखा रही है, लेकिन अभी उस तरीके की परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई है। रोमन पॉवेल को भी एक मुकाबले में जगह मिलती है, दूसरे में जगह नहीं मिलती है, तो आप इनको अगर अपनी टीम में रखना चाहते हैं रख सकते हैं वो भी, लेकिन एक चीज़ पे कि अगर ये मुकाबला खेल रहे हैं तो नहीं। फिल सॉल्ट अभी तक कोई मुकाबला नहीं खेल पाए। मनीष पांडे बहुत उम्मीदें जताई जा रही हैं, बहुत मौके भी दे दिए जा चुके हैं इनको, लेकिन अभी तक इनके बल्ले से रन निकले नहीं है। 30-35 रन की पारी खेल रहे हैं, शुरुआत मिल रही है, लेकिन इसको कन्वर्टेबल बिग रन में ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। रिलेसो एक मुकाबला खेले, उसके बाद मौका नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि अगर इनको जगह मिलती है तो ये बेहतरीन परफॉर्मेंस करके जाएंगे। तो यहाँ से एक सबसे डिपेंडेबल नाम जो लेके आप जा सकते हैं वो है डेविड वार्नर का। ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पे अक्षर पटेल, मिचेल मार्श, ललित यादव, रिपल पटेल, विक्की ओसवाल, अमन खान, ये आपके पास विकल्प मौजूद हैं। लेकिन मुझे यहाँ से लगता है कि अक्षर पटेल और मिचेल मार्श ये दो आपके पिक होने चाहिए। देखिए, मिचेल मार्श का बल्ला अभी तक खामोश रहा है, ज़्यादा कुछ चला नहीं है, लेकिन जिस दिन इस बल्लेबाज का दिन है वो आपके लिए गेम जरूर पलट सकते हैं। तो मुझे लगता है अक्षर पटेल और मिचेल मार्श आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प होंगे। बात करें ललित यादव की तो अगर आप इनको इनके स्पिन के लिए लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, एक्सपीरियंस है, अनुभव बहुत ज़्यादा है, पिछले मैच में बल्लेबाजी भी थोड़ी देर तक रुक कर करी थी वहाँ पे। लेकिन अक्षर पटेल आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प होंगे अगर आप स्पिन और बल्लेबाजी दोनों देख रहे हैं ऑलराउंडर के तौर पे। तो मुझे लगता है मिचेल मार्श और अक्षर पटेल आपके लिए बेहतरीन विकल्प होंगे। अमन खान हैं, अच्छे विकल्प हैं, लेकिन इनका बल्ला अभी खामोश रहा है। जिस कैटेगरी के लिए जाने जाते हैं कि आगे लंबे हिट लगा सकते हैं, छक्के लगाते हैं लंबे, अभी तक वैसी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई है। अब बॉलर्स की बात करें तो अनिक नौरकिया हैं, कमलेश नागरकोटी, मुस्तफिजुर रहमान, लुंगी अंगेड़ी, खलील अहमद, चेतन सागरिया, प्रवीण दुबे, कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार। देखिए, पिछले मुकाबले में ईशांत शर्मा को जगह दी गई थी और उन्होंने वहां पे बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के दी थी। तो मुझे लगता है ईशांत शर्मा आपके लिए पिक होने चाहिए, क्योंकि लगता है मुझे जिस हिसाब से दिल्ली की टीम अभी बहुत निचले पायदान पर चले, पिछला मुकाबला कैसे कैसे करके जीता है उन्होंने, आखिरी मोमेंट पर वो भी गया था, अक्षर पटेल वहां के मैच के हीरो रहे थे, तो मुझे लगता है ईशांत शर्मा को इस मुकाबले में जगह मिलेगी। क्योंकि देखिए, इनके पास एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस का ये पूरा इस्तेमाल करके दिल्ली की टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन जरूर करेंगे। अगर अनिक नौरकिया को जगह मिलती है टीम में, अगर वो खेलते हैं मुकाबला, तो आप उनके साथ जरूर जा सकते हैं। मुस्तफिजुर रहमान भी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि सामने वाली टीम में और कौन से बल्लेबाज हैं। अगर हैदराबाद की टीम, देखिए उनके पास बल्लेबाज बेहतरीन हैं, एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज हैं, इंटरनेशनल लेवल के बल्लेबाज हैं, तो मुस्तफिजुर रहमान को खेलने में उतनी उनकी दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कमलेश नागरकोटी, मुस्तफिजुर रहमान, अगर आप इनके फैन हैं, आपको लगता है ये आज मुकाबले में बेहतरीन करेंगे, तो आप इनके साथ बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन ईशांत शर्मा और अनिक नौरकिया आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं इस टीम के लिए। तो ये रही पूरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहां पे आपके लिए डेविड वार्नर, अक्षर पटेल, मिचेल मार्श, अगर आप ललित यादव को रखना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, वरना ईशांत शर्मा, अनिक नौरकिया और मुस्तफिजुर रहमान और कमलेश नागरकोटे, इन चारों में से किसी दो को रख सकते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, जहाँ पे अगर आप देखें तो बल्लेबाजों की बात करें तो हैरी ब्रूक सबसे बड़ा नाम, शतक अगर आप याद कर रहे हो तो एक मुकाबले पहले आया था, इसका पहला वाला मुकाबला भी कुछ खास गया नहीं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी टच में है तो हो सकता है इस मुकाबले में अच्छा कर जाए। मयंक अग्रवाल, देखिए मुझे लगता है इनको बहुत ज़्यादा भरोसा हैदराबाद टीम दिखा रही है, बार बार लगातार इनको बैक किया जा रहा है, स्कोर से ड्रॉप नहीं हो रहे, ये सबसे बड़ी बात है। 48 रन 50 रन की पारी खेल जरूर रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट इनकी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि मयंक अग्रवाल इस कदर के बल्लेबाज हैं नहीं। देखिए, ये खेलते हमेशा जब पंजाब के लिए खेलते थे तो तेज स्ट्राइक रेट, तेज गति से रन बनाते थे, लेकिन इस सीजन उनका बल्ला उस हिसाब से चला नहीं है, तो अभी तक बहुत खामोश है। तो मुझे लगता है आपको हैरी ब्रूक, हेनरी क्लासेन और एडन मार्करम, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प होंगे। देखिए, अब्दुल समद युवा हैं, इनका बहुत भरोसा जताया जाता है, लेकिन इनका भी बल्ला अभी पूरी सीजन खामोश रहा है। राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स को मुझे लगता नहीं मौका मिलेगा। राहुल त्रिपाठी हैदराबाद की टीम रिलाई जरूर कर रही है, लेकिन बिल्कुल टच में नहीं दिखाई दे रहे हैं, विकेट अपना थमा के गंवा के चले जा रहे हैं जल्दी। तो मुझे लगता है यहाँ से सबसे बेहतरीन विकल्प आपके लिए हैरी ब्रूक होंगे, हेनरी क्लासेन आपके लिए विकेट कीपिंग में कर देंगे, एडन मार्करम हैदराबाद के कप्तान हैं, बेहतरीन एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं, अच्छे टच में भी दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे बेहतरीन विकल्प आपके लिए हैदराबाद की टीम से हो सकते हैं।
और अंडर्स की बात करें तो यहाँ पे समर्थ व्यास है, मयंक डागर, विरांत शर्मा, अभिषेक शर्मा, मैरको जेनसन, वॉशिंगटन सुंदर। देखिए मैरको जेनसन पिछले मुकाबले में हालांकि थोड़े महंगे साबित जरूर हुए थे, लेकिन बेहतरीन गेंदबाज हैं, लंबी गति के हैं, लंबी हाइट के हैं, तो मुझे लगता है वहाँ गति से भी बॉल डालते हैं और इनके पास जो सबसे बेहतरीन काबिलियत है वो बॉल को अंदर बाहर दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं, तो मुझे लगता है ये जरूर आपके लिए विकेट निकाल के ले जा सकते हैं। मुंबई के खिलाफ अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत लाजवाब थी, और वॉशिंगटन सुंदर आपके लिए अच्छे विकल्प है, लेकिन आपको याद रखना होगा आपने दूसरी टीम से वहां पे अक्षर पटेल को अगर लिया है तो आप यहां से वॉशिंगटन सुंदर की जगह अभिषेक शर्मा को ले सकते हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा आपको बल्लेबाजी में भी डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैरको जेनसन और अभिषेक शर्मा आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं, हालांकि इन तीनों को अभी तक जगह टीम में मिली नहीं है, अगर इनको जगह मिलती है तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं अगर आप इनमें से किसी एक के फैन हैं। तो बॉलर्स की बात करें तो वहाँ आदिल राशिद, मयंक मारकंडे, सनवीर सिंह, अकील हुसैन, फजल अकफरुकी, कार्तिक त्यागी, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उमरान मलिक के विकल्प आपके पास मौजूद हैं। अगर आप बॉलर्स की बात करें तो आदिल राशिद आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इनके पास अनुभव है, बेहतरीन लेग स्पिन करते हैं, मुझे लगता है इस मुकाबले में ये इंपैक्टफुल हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की बल्लेबाजी अगर आप देखें तो वहाँ पे डेविड वार्नर है, मिचेल मार्श है, तो उनके सामने आदिल राशिद काफ़ी बेहतरीन गेंदबाज साबित हो सकते हैं। साथ ही तेज गेंदबाजी में उमरान मलिक और टी नटराजन सबसे बेहतरीन गेंदबाज होंगे। देखिए भुवनेश्वर कुमार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी काबिलियत है वो स्विंग गेंदबाजी है, अगर स्विंग वहाँ पे उनको नहीं मिलती है तो मुझे लगता है इनके लिए थोड़ी सी समस्याओं का सामना हैदराबाद को गेंदबाजी करनी पड़ सकती है। डेथ ओवर में आजकल भुवनेश्वर कुमार काफ़ी महंगे साबित हो जा रहे हैं, वहाँ पे टी नटराजन और उमरान मलिक आपको बेहतर पॉइंट्स अर्न करके दे सकते हैं। कार्तिक त्यागी, फजल अकफारूकी शुरुआती के कुछ मैच खेले जरूर थे, लेकिन वहाँ पर इनकी इकॉनमी बहुत महंगी थी, काफ़ी महंगे साबित हुए थे, अगर आप इनको रखना चाहते हैं टीम में तो बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन टी नटराजन, उमरान मलिक आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। तो ये रही हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहाँ पे इन खिलाड़ी को आप अपने टीम फैंटेसी 11 की टीम में जरूर रखें और आपको ये खिलाड़ी बेहतरीन पॉइंट्स अर्न करके ले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप फैंटेसी 11 में अपनी टीम बना रहे हैं तो अपनी टीम आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हैं।